बाबूजी निर्दोष हैं, हम गौर के साथ कहेंगे। गुरुदेव तो बिल्कुल स्वच्छ एकदम साक्षात भगवान ही है, नर रूप में आए हुए हैं हम पृथ्वी पर। सरकार से हमें यही मांग करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि उनको बहुत जल्दी रिहा कर दिया जाए। लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बाबू को रिहा किया जाए। क्या नाम है आपका? राम जी मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? हम बनारस के रहने वाले। बनारस के कितने सालों से बापू से जुड़े हैं? 17-18 साल। 17-18 सालों से। जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं, बापू 6 सालों से जोधपुर जेल में बंद है, उसके विषय में क्या कहोगे? बिल्कुल गलत है, बापू जी निर्दोष हैं, हम गौर के साथ कहेंगे। 17 साल पहले जीवन कैसा था? बापू से जुड़ने से जीवन में क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत खुशहाल हम हुए हैं, बहुत बढ़िया है। कभी यहाँ गलत गतिविधियाँ देखी क्या? ऐसा कभी नहीं। क्या होता है यहाँ पर? सत्संग होता है, गुरुदेव का आसारमण पाठ होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है, गीता भगवत गीता का पाठ होता है, और सत्संग बढ़िया बढ़िया सत्संग होता है। हम जितना कहें उतना कम है। गुरुदेव तो बिल्कुल स्वच्छ एकदम साक्षात भगवान ही हैं, नर रूप में आए हुए हैं हम पृथ्वी पर। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से हम यही मांग करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि उनको बहुत जल्दी रिहा कर दिया जाए। आपने देखा बनारस के रहने वाले, उनका यही कहना है कि भले बापू पे कितने भी आरोप लगे, लेकिन आज भी ये भक्त आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं। लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संश्री आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल।